गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने डिजिट्स, नंबर्स और प्लेस वैल्यू, ये मैंने आपको कल करवाया था। आज मैं आपको दोबारा प्लेस वैल्यू बताना चाह रही हूँ। ये प्लेस वैल्यू होता क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन लेते हैं हम। राइटिंग नंबर इन ए पर्टिकुलर पोजिशन, द पोजिशन डिटरमाइंस द वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है, वो है 36। अब ये 3 कौन से प्लेस में है और ये 6 कौन से प्लेस में है, हमें ये पता करना है। इसमें 6 है 1s प्लेस में और 3 है 10s प्लेस में, इसलिए हमारा 36 आया है नंबर यहाँ। तो यही मैंने बताने की कोशिश की है कि राइटिंग नंबर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, सो एक डिजिट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, द पोजीशन डिटरमाइंस द वैल्यू, उसकी एक वैल्यू होती है। तो वे देखो एक बार, फॉर एग्जांपल 48 मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो 4 कहाँ है, 4 इज इन द 10s प्लेस। कौन से प्लेस में है, 4 10s प्लेस में है, एंड 8 इज इन द 1s प्लेस, और 8 कौन से प्लेस में है, 1s प्लेस में है। तो ये तो प्लेस हमने पहचान लिया, मैंने माने क्या है, जगह, उसका स्थान। 4 का स्थान कौन सा है और 8 का स्थान कौन सा है, तो 4 इज इन द 10s प्लेस एंड 8 इज इन द 1s प्लेस, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 4 इज 4 10s। अब वैल्यू माने उसका मान कितना है, तो वैल्यू ऑफ 4 इज 4 10s। अब आपको तो पता ही है 4 10s प्लेस में है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। 4 10s माने 40, ओके। वैसे यहाँ देखो, एंड द वैल्यू ऑफ 8 इज 8 1s, और 8 की वैल्यू कितनी है, 8 है, क्योंकि ये 8 1s है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8। ये होता है प्लेस वैल्यू। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस एक बार करो और इसको आप कॉपी में भी लिखो और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ओके बच्चों। ये भी आपको अपने कॉपी में लिखना है, राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन योर नोटबुक। आपकी कॉपी में 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, ओके बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।